नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 4K Tech पे। और आज इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के बारे में कि हमें अपने YouTube चैनल्स को मोनेटाइजेशन कराने के लिए YouTube पर किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियोस में हम कंप्लीट ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो आपको पता है यूट्यूब पर आपसे 2 साल पहले किसी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था जो कि आपको फिल करना पड़ता था YouTube पर अपने चैनल्स को मोनेटाइजेशन कराने के लिए। आपने पहले दिन से चैनल बनाया, वीडियोस अपलोड किया, Google AdSense अकाउंट लिंक किया और उसी दिन से आपका जो पैसा है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता था। और लोगों को 1 से 1.5 साल के अंदर उनका पहला पेमेंट अगर यूट्यूब चैनल स्लो भी चलता था तो मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, लोगों को 1 से 1.5 साल तक उनका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम ही कम्प्लीट नहीं हो पाता, तो चैनल्स को मोनेटाइजेशन बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि अभी आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, क्योंकि देखिए यूट्यूब ने कुछ दिन पहले अभी एक नया अनाउंसमेंट किया है मोनेटाइजेशन के लिए। उसमें बताया है कि आपके YouTube चैनल्स के ऊपर पिछले 3 महीने में कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का मतलब है कि अगर आपके स्टार्टिंग में कोई कम्युनिटी गाइडलाइन आपके YouTube चैनल्स पे आई है, उससे कोई फर्क आपके YouTube चैनल्स पर नहीं पड़ता। जिस टाइम आप अपने YouTube चैनल्स को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम आपके यूट्यूब चैनल्स पर कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए, वरना आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। तो देखिए, आपने अगर अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया है, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी नहीं है और आपके जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो भी कंप्लीट है, और फिर भी आपका यूट्यूब चैनल जो है हो सकता है मोनेटाइज ना हो, तो इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें और यहाँ पर जुड़ जाती हैं। एक तो आता है रीयूज कॉन्टेंट और एक चीज़ आती है मिसलीडिंग मेटा डेटा। अब मीटा डेटा क्या होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। वैसे मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके वहाँ पर भी देख सकते हैं। मिसलीडिंग मेटा डेटा का मतलब होता है कि अगर आपने वीडियोस में बताया कुछ है और अपने टाइटल, थंबनेल या डिस्क्रिप्शन में कुछ अलग लिखा है या फिर टैग में अलग कुछ लिखा है, तो वो मिसलीडिंग मेटा डेटा के अंदर आता है। अब जैसे ही आप अपने YouTube चैनल्स को रिव्यू में देते हैं, वहाँ से लौट के आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपके चैनल्स पर टाइटल मिसलीडिंग मेटा डेटा है या डिस्क्रिप्शन मिसलीडिंग मेटा डेटा है, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ वापस आ जाएगा और आपका चैनल जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 30 दिन के लिए हो सकता है या फिर 20 दिन के लिए या फिर 15 दिन के लिए आपको चैनल जो है दोबारा से पैक कर दिया जाएगा। अब आप उस चीज़ के उतने टाइम में उस चीज़ को संभाल के दोबारा से फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं और उसको अपने YouTube चैनल्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, रीयूज कंटेंट की। तो रीयूज कंटेंट में क्या होता है कि अगर आपने किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ किया है जो कि आपको नहीं करना था, मतलब YouTube आपको रीयूज कंटेंट अलाउ करने की परमिशन नहीं देता है, फेयर यूजेस में आप कर सकते हैं। अगर आप एक एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियोस अगर 10 मिनट की है तो उसमें आपने 2-4 सेकंड का अगर कहीं पर कोई क्लिप दिखाया है, कुछ भी दिखाया है एज ए एजुकेशन पर्पज़, तब आप उसे रीयूज यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने किसी का पूरा सॉन्ग उठाया और अपने वीडियोस के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, तब आपका जो चैनल्स है वो अब यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपने यही देखा होगा कि बहुत सारे जो डीजे के मिक्सिंग के चैनल्स थे उनका मोनेटाइजेशन परमानेंटली बंद कर दिया गया है, यही चीज़ रीज़न है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आप ये चीज़ें क्लियर समझ आई हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ इस वीडियोस को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।